गुना में आयोजित बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में एक और महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने डेरा जमाया। सिंधिया ने बागेश्वर धाम वाले बाबा से आशीर्वाद लिया और लोगों को संबोधित किया। चुनावी साल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ, सीएम शिवराज और तमाम नेताओं के बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर आ रहे थे, लेकिन ग्वालियर जाने से पहले वह गुना पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम के कथावाचक दिव्य दरबार में पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस दौरान सिंधिया ने धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से ही भाजपा की ब्रांडिंग की। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री मंत्री सिंधिया के कान में मंत्र फूंकते नजर आए। गुना में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार का आयोजन किया था। लगभग 3 घंटे चले दिव्य दरबार में कई लोगों की अर्जियां सुनी गईं। मंच पर जब सिंधिया पहुंचे तो धर्म और राजनीति का संगम देखते ही बन रहा था। जहां दिव्य दरबार में सिंधिया कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच पर बैठे रहे, वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया। पंडित शास्त्री ने भी सिंधिया को श्रीमंत कहते हुए संबोधित किया। बागेश्वर धाम के कथावाचक ने सिंधिया से कहा कि आपका कल्याण होगा। इसके बाद सिंधिया के गले में गमछा डालकर पंडित शास्त्री ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। धीरेन्द्र शास्त्री और सिंधिया के बीच हुई खास मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जहां इन सबके बाद केंद्रीय मंत्री ने मंच से ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व में धर्म के क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारे कण कण में बसते हैं, हमें भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आखिर में सिंधिया ने मंच से जय श्री राम और भारत माता के नारे लगाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का गुना में रोड शो भी हुआ। वहीं गुना में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो राघोगढ़ पहुंचे, जहां दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया।